बहाने खोजना बंद कर दो। और एक और चीज, सेफ स्कोर, देयर इज नो सेफ स्कोर। आप स्कोर के हिसाब से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो गड्ढे में चले जाएंगे। क्यों? अगर आपके शिफ्ट का पेपर टफ सेट हो गया, ठीक है, तो आपको लगेगा यार मेरे तो 100 मार्क बन रहे, इसमें तो कुछ सिलेक्शन नहीं होगा, आप लप्पे मारने स्टार्ट कर दोगे, खराब हो जाएगा। वो नॉर्मलाइज होगा, आपको अपने सही क्वेश्चन करके आना। ये एटीट्यूड ही आपका गलत है जो सेफ स्कोर पूछ रहे हैं। वो पता है क्या है, ये आप लालच में पूछ रहे हो कि मेरे को कितने मार्क्स चाहिए कि बस मैं निकल जाऊं। ये वही वाली बात हो गई जब आप कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हो, आप लगा रहे हो अपने बोर्ड का दिमाग 33 मार्क्स या 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। आप ये सोच के साथ कंपटीशन में नहीं जा सकते। आपका पेपर क्या सेट होगा, उस शिफ्ट में कैसे बच्चे, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, बाद में सारे स्कोर नॉर्मलाइज होते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें अपने दिमाग से हटा दो, व्हाट इज द सेफ स्कोर, ठीक है। हम लोग हमेशा बोलते हैं 150 से 170 से ऊपर हो तो आप बिल्कुल सही हो, आप अपनी एडवांस की तैयारी भी साइड बाय साइड कर सकते हो। लेकिन राइट नाउ आप अभी अपने स्कोर का बर्डन अपने सर पे मत लो, अपने सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स का बर्डन लो कि मेरे को अपने सारे लेक्चर्स कवर करने हैं और सारे PYQs लगाने हैं। कोई रंग बिरंगी लाल पीली नीली किताब नहीं लगानी अभी फॉर द श्योर, आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs लगाने। PYQs ही अगर आप 2019 से उठालोगे, इतने क्वेश्चन है कि आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। आप अपने लिए जबरदस्ती कंस्ट्रेंट मत बनाओ, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। रास्ता बहुत सरल है, लेक्चर देखो, PYQs करो, लेक्चर देखो, PYQs करो, फिर मॉक टेस्ट देख के एनालाइज करके और इंप्रूव करो। और कोई नया रास्ता नहीं है भाई, ठीक है। अब एक बोल रहा है कि सर क्विक रिवीजन दे दो, बेटा डिमांड ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं बोल देता हूं तू मुझे रैंक बन देते, कर सकते हैं ऐसे एक दूसरे की डिमांड पूरी। ये जो आपके पास पहुंच रही है ये क्विक रिवीजन ही है, इससे और क्विक क्या लेगा ये बता। हाइपरबोला खड़ा हो गया, मैं 2 मिनट में गा के सुना देता हूं, बता 3 मिनट में ही वो चल जाएगा। तो क्विक रिवीजन दे दो, फॉर्मूला शीट दे दो, सर आप कर दो, सर ये वाला सवाल करके दिखा दो, ये इससे जेई नहीं क्लियर होता इससे। हाँ, बोर्ड्स में अगर ये डिमांड करोगे तो वो शायद फुलफिल करें तो नंबर बढ़ जाते हैं कि सर आप हमें ये काम करो, स्क्रीन पे 10 सवाल सॉल्व करके दिखा दो, उनमें से 5 वहां आएंगे, हम 5 कराएंगे, हमारे नंबर आ जाएंगे। ये बोर्ड्स में चलता है। अब तुम बोल रहे हो क्विक रिवीजन दे दो, सर बोर्ड्स सारे PYQs आप ही करवा दो, तो जब सारा कुछ मैं ही करवा दो तो तू क्या करेगा ये बता। और इतना करवाने का टाइम भी नहीं है। और एक और, हाँ, बैठ के बैकलॉग ही बनाओगे। और एक और मजे की बात बताता हूँ, इसी को तो कंपटीशन बोलते हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ सामने वाला, अगर सारा कुछ सामने वाला ही करवा देगा क्या करेगा भाई। और जो सामने वाला खड़े हैं जितने भी, उन्होंने बहुत करवाया है। अगर तूने वो टाइम पे किया होता या कर रहा है तो तेरा रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा भैया, कहीं नहीं जाएगा है? और नंबर्स के पीछे ना भागें। एक शिफ्ट में एक बच्चे के 180 आए, दूसरे शिफ्ट में एक बच्चे के 210 आए। 210 वाले की रैंक कम थी, 180 वाले की रैंक ज्यादा थी। अब बताओ मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। पेपर पे डिपेंड करता है आपका पेपर कैसा है, समझ में। हाँ, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी इंप्रूव कीजिएगा प्लीज। एनालाइज का मतलब होता है कि जो आपकी गलतियां हुई वो आप अगले टेस्ट से पहले एक बार पहचान लो और हाँ उनको बोलो कि हाँ यार ये गलतियां मुझे पता चल गई, अब अगले में ध्यान रखूंगा, ठीक है। ये होता है एनालिसिस।